अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई टिक्का की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जो बहुत सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1/2 kg चिकन। ये बोनलेस चिकन है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको मैरिनेट करके रख देंगे। 1 tablespoon विनेगर या नींबू डाल दें एक। इसका एक दूसरा मसाला तैयार करना है जिसको इसमें मैरिनेट करना है। एक्चुअली उस मसाले की क्लिप मेरे पास से डिलीट हो गई, लेकिन मैं उन सारे मसालों की क्वांटिटी और मसालों के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके देख लें। और इसमें यहाँ पर मैं धुएँ के लिए इसमें धुआँ देना है, तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं कोला रख रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके 10 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। बस अब इसको मैं कढ़ाई में लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई रॉड वगैरह हो तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, स्टील की। तो एक एक करके इसको इसमें लगा लें। ये बहुत अच्छी बन के तैयार हुआ है और इजी बहुत है, ये बहुत कम टाइम में बन जाएगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजी और जल्दी बनने वाली ही रेसिपीज़ दूँ, जिसमें कम टाइम और कम मेहनत लगे। ये क्रीम और दही से मसाला बनता है, जिसकी वजह से बहुत क्रीमी बनती है। जैसे मेरे पास से वो क्लिप डिलीट हो गई, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मसाले मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने के लिए इंशाल्लाह। इसके बाद मैंने यहाँ पर पैन लिया है, इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें 1 tablespoon में बटर डालूँगी और हल्की आँच कर दें। उसके बाद लो फ्लेम पर ही एक एक करके कांडी रखें और फिर फ्लेम को तेज़ कर दें, हाई फ्लेम पे इसको पकाएं, ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और ये उसी पानी में अच्छे से गल जाए। चिकन जो है हमारा, चिकन बहुत जल्दी गलता है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा गलने के लिए। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बन के तैयार होगी ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इतनी सॉफ्ट और जूसी बनेगी, जैसे इसका नाम है मलाई टिक्का, बिल्कुल आपको टेस्ट भी इसका वैसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। फ्लेम पर ही पकाते रहें, क्योंकि अभी इसका पानी बहुत रिलीज़ होगा, तो जलने की कोई इसमें टेंशन नहीं है। तो अच्छे से इसका पानी रिलीज़ हो जाए, उसके बाद इसको लो फ्लेम पर पकाना है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी, ताकि ये और गल जाए, 2 से 3 मिनट के लिए। बस अब कितना सारा पानी इसका रिलीज़ हो चुका है, बस अब इसको आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं। हल्का हल्का ब्राउन होने के बाद इसको टर्न कर लें, इसकी लो फ्लेम कर दीजिए और लो फ्लेम पर इसको पकाएं। बीच बीच में इसको टर्न करते रहें, 10 मिनट तक इसको सेकना है और बीच बीच में इसको टर्न ज़रूर करना है। बस अब ये अच्छे से पक चुके हैं, जूसी और सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको सर्व करते हैं, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं ये। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए आपको तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।